हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी पॉइंट टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू पोएम लिटिल थिंग्स बाई जूलिया कार्नी ठीक है तो आइए देखते हैं इस पोईम में है क्या लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक अ माइटी ओशियन एंड द प्लीसेंट लैंड मतलब कि छोटी छोटी पानी की बूंदें एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब सैंड मतलब की सैंड मि, मिट्टी के छोटे दाने ठीक है मेक द माइटी ओशियन बहुत ही बड़ा पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो मिलकर बहुत ही बड़ा ओशियन बना सकती हैं ठीक है थीके? और ये जो रेत के जो छोटे छोटे दाने हैं वो मिलकर बहुत ही प्लीसेंट बहुत ही सुंदर लैंड बना सकते हैं ठीक है सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दाऊ दे बी मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी मतलब कि जो हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उसको ऐसे करना चाहिए ऐसे बिताना चाहिए जिससे कि वो इटर्निटी मतलब अनंतकाल तक हमें अच्छी यादें दे सकें ठीक है सो आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे और हमारी छोटी सी गलती में हमें हमारी आत्मा को दूर ले जाती है फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू मतलब कि दयालुता के अच्छाई के उससे दूर ले जाती है फॉर द सिन टू स्ट्रे ठीक है लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मतलब कि दयालुता का छोटे छोटे कार्य करके एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव और प्यार के छोटे छोटे वर्ड को बोल के मेक आवर अर्थ हैप्पी हम अपनी दुनिया को खुश बना सकते हैं ठीक है हमारी पृथ्वी जो है उसको हम हैप्पी अच्छा बना सकते हैं खुश बना सकते हैं लाइक द हेवन अबव मतलब जैसे कि ऊपर स्वर्ग है उसी तरह हम अपनी इन सभी चीज़ों को करके इन छोटे छोटे लिटिल थिंग्स करके हम अपने पृथ्वी को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं ठीक है मतलब कि इस पोएम से हमें यह पता चलता है कि लिटिल थिंग्स जो होती हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ठीक है तो ये थी आज की पोएम थैंक यू सो मच